पार्टी में बहुत मजा आया था यार, बहुत मिल गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं पहले तुम्हें बताऊंगा। अरे अगले हफ्ते तो इतनी बड़ी पार्टी प्लान करके रखी, बहुत मजा आएगा। सच बोल रहा हूँ यार। हाँ देखो कितने जन रहेंगे, मैं तुमको बोल रहा हूँ। ये जो है लाट साहब, ये क्या कर दिया, दिखाई नहीं देता। तो अभी हो गया ना? हो गया मतलब? अभी क्या पूरी रिक्शा धोके दूँ? देखो देखो क्या, तू रिक्शा दिख कर नहीं चला सकता है? अरे वाह, एक तो चोरी पर हसीना चोरी। अभी निकल रहा है कि नहीं यार? ज्यादा बकवास की ना, तो एक उल्टे हाथ का थप्पड़ ना कान के नीचे लगा के दूंगा। अरे अरे नहीं नहीं, थप्पड़ क्यों, ये लो ये लो, लकड़ी लो लकड़ी लो, छड़ी से मारी से, इसी लायक है रिक्शा वाला। ए भाई, ए तुझमें दिमाग है कि नहीं है? ये बेचारा इतनी बड़ी कार रुका के यहाँ पान थूक रहा था, उसी वक्त तुझे बीच में आना था है? अरे तुम जैसे लोग ऐसे बीच में आते रहेंगे तो ये बेचारे पान खाने वाले थूकने कहाँ जाएंगे, गटर में? और भाई मुझे एक बात बता, अरे तू क्या शहर में नया आया है? ये अपने शहर के रास्ते दीवारें तूने देखी नहीं है? इनकी शोभा कौन बढ़ाता है? अरे ये पान खाने वाले, कचरा फेंकने वाले, वो लोग ही तो बढ़ाते हैं शोभा है? अरे तुझे तो उल्टा इसे थैंक यू बोलना चाहिए, इसने पान खाकर तेरी रिक्शा पे थूका और तेरी रिक्शा की शोभा बढ़ाई है। चल थैंक यू बोल इसे। थैंक यू साहब। और सर ये तो बेचारा नादान है, आप तो बड़े समझदार हो, माफ कर दो माफ कर दो। ओल्ड मैन क्या हीरो बनना है? हीरो तो मैं अपनी जवानी में था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन हाँ आज के हीरो तो तुम हो। देखिए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत कोशिश की मैंने लेकिन नहीं बन पाया, इसीलिए मेरा पोता मुझे हमेशा कहता है कि दादाजी आप सिर्फ स्मार्ट हो। सर अब ये रिक्शा वाले पे एक मेहरबानी कर दो, ये तुमने पान थूक के इसकी रिक्शा पे जो रंगोली बनाई है ना, वो इसे पसंद नहीं है, तो उसे जरा साफ कर दो। दिमाग ठिकाने पर तो है, मैं और इसकी रिक्शा साफ करूं? हाँ। अरे मैं खुद की गाड़ी का भी साफ नहीं करता। लेकिन ये रिक्शा तो तुम्हें साफ करनी ही पड़ेगी। नहीं करूंगा। क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं। ओ चाचा जी, ये क्या करो, चाबी दो, चाबी दो वापस। नहीं, ये चाबी तो तुम ये रिक्शा साफ करोगे ना, उसके बाद ही तुम्हें मिलेगा। आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जानता हूँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बदतमीज हो। बहुत भारी पड़ेगी होशियारी। होशियारी नहीं, समझदारी। तुम जैसे बिगड़े हुए को सबक सिखाने की समझदारी। हाँ अगर तुमसे अनजाने में गलती होती तो ठीक था, एक तो तुम पान खा के रास्ते पे रिक्शा पे थूकते हो और ऊपर से इस रिक्शा वाले पे दादागिरी करते हो। तुम जैसे सरफिरे बातों से नहीं समझते, चल साफ कर, तभी तू रास्ते पे थूकने से पहले 10 बार सोचेगा। चल खड़ा के साफ कर। बराबर बराबर, देखो कैसे कर रहा है ये साफ।
हंस क्या रहे हो तुम लोग? इधर क्या तमाशा चल रहा है? जाओ जाओ अपने अपने काम पे जाओ। बुड्ढे, तूने विक्की की इंसल्ट की, इसकी तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी।